अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ग्रीन मास्क लेके आई हूँ जो कि स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है और ये वाइट हेड्स को भी रिमूव करता है। इसके अलावा ये ब्लैक हेड्स को भी रिमूव करता है, स्किन को फेयर करता है और आपको एक नई ग्लो देता है। फर्स्ट यूज़ से ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेमेडी और देखते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए। सबसे पहले तो मुझे एलोवेरा चाहिए और मैं हमेशा अपनी रेमेडीज़ में फ्रेश एलोवेरा यूज़ करती हूँ, क्योंकि फ्रेश एलोवेरा जो होता है वो प्रोसेस नहीं होता और इसके जितने भी इनके मिनरल्स और जितने भी इसमें बेनिफिट्स होते हैं वो हमें डायरेक्ट मिल जाते हैं। तो मैंने ये इसको काट लिया है फाइन तरीके से। अब मैं इसका जेल जो है वो इससे सेपरेट करूँगी, उसके जेल को रेमेडी में यूज़ करूँगी। इस रेमेडी में मैं 4 टेबल स्पून जो है वो एलोवेरा जेल यूज़ करूँगी। एलोवेरा जेल के बहुत बेनिफिट्स हैं और इसको आप रूटीन लाइफ में ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये फुल ऑफ एनर्जी है, आपके बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट को ये दूर करता है। और साथ में ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून ही ड्राई कोरिएंडर डालूंगी, यानी कि धनिया इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, और साथ में ही 1 टेबलस्पून ही मिंट यानी कि पुदीना इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। ये तो आपके किचन में भी सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप इजीली बना सकते हो। और विनेगर मैं इसमें यूज़ करूँगी 1 टेबलस्पून ही। जिनकी स्किन ड्राई है वो जो है सिरका ना यूज़ करें। क्योंकि सिरका बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन को, आपकी स्किन पर जो जितने भी जर्म्स हैं वो सिरके की वजह से बैक्टीरिया जो ग्रो करते हैं, पिंपल और इस तरीके से जो भी स्किन प्रॉब्लम होती है उसके इस्तेमाल के लिए बहुत बेनिफिशियल है। स्किन से जितने भी जर्म्स और बैक्टीरिया वो रिमूव करता है। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ही योगर्ट ऐड किया है और योगर्ट भी बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि ये स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो देता है और आपकी स्किन को फेयर बनाता है, डार्क स्पॉट जो है वो रिमूव करता है। ये देखिए मैंने बना लिया, इसको पीस लिया, इसका पेस्ट बना लिया। जब मैंने इसको यूज़ किया था ये बहुत इफ़ेक्टिव था। मैं हर रेमेडी में ये बोलती हूँ कि ये बहुत इफ़ेक्टिव था, क्योंकि मैं इसको ख़ुद पर अप्लाई करती हूँ, देन मैं इसके बेनिफिट और लॉसेस आपको बताती हूँ कि क्या इसके फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ही कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। कॉर्नफ्लोर भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये स्किन को स्टार्च देता है जिसकी वजह से हमारी स्किन एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम से बची रहती है, एजिंग स्किन एजिंग की वजह से ये जो है कॉर्नफ्लोर बहुत हेल्प करता है, हमारी स्किन को टाइटन करता है। ये देखिए मैंने इसको अपने हाथ पे अप्लाई करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मास्क इतना अच्छा था कि मैंने उसी वक्त इसको यूज़ किया था और साथ में मैं इस पे काम भी कर रही थी और फेस पे भी मेरे लगा हुआ था ये। ये देखिए मैंने ये दोनों हाथों पे भी लगाया हुआ था, अपने फेस पे भी लगाया था इसका रिज़ल्ट देखने के लिए। अभी मैं थोड़ी देर में आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ, आप देखोगे तो खुद ही जज करना कि क्या सही है क्या गलत। मैं खुद नहीं तारीफ करूँगी क्योंकि मैंने भी जब इसको यूज़ किया तो मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। मैं इसको अब एक स्पंज से इसको रिमूव कर दूँगी हल्के हाथों से। आप चाहें तो पानी से वॉश कर सकते हैं, वॉश करके रिमूव कर सकते हैं, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल समझें उसको रिमूव कर सकते हैं आप।
ये देखिए मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, खुद इसमें डिफरेंस देखें कि ये जहाँ पे मैंने लगाया था उसका कंपैरिजन देखें कि जो मेरी हाथ की साइड है जहाँ तक लगी हुई थी वो कितना फेयर और ग्लो कर रहा है, और उससे ऊपर वाला एरिया थोड़ा उसका कम्प्लेक्शन डार्क लग रहा है उसे। चलिए अब देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने फेस जो है वो क्लीन करना है, उसके बाद इसको अप्लाई करना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद आपने इसको वाटर से और या से रिमूव कर लेना है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।